ये क्या समाधान करेंगे, न समस्या की जानकारी लेते हैं, न जनता के बीच अपनी संवाद कर पाते हैं। गिने चुने लोगों की भीड़ को इकट्ठा करेंगे, उनको ट्रेंड किया जाता है, सिखाया जाता है और उतना ही बात उनसे कहवाया जाता है। आपका शराबबंदी जो आपका एक मिशन और संकल्प था, उसका साइड इफेक्ट व्हाइट जहर से फैल रहा है। आज कई लोग उसके शिकार हुए, उसको मुआवजा देने के बजाय, उसको रोजगार का अवसर देने के बजाय आप किस तरह से बिहार को तमाशा बना रहे हैं। इच्छक अभ्यर्थी को आप सुनने आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, उससे मिलना पसंद नहीं करते हैं, उसको दूर तक कर देते हैं। BSSC पर लाठीचार्ज बच्चों को हुआ, वो आपको जानकारी नहीं है। कैसा मुख्यमंत्री है आप? संदेश देना चाहते हैं, या तो आपका याददाश्त कमजोर हो गया या इस पद के लायक आप सचमुच में नहीं है, आपको आश्रम जाने की अब जरूरत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो शिक्षक अभ्यर्थियों को नजरबंद कर दिया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा है, बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं जब शिक्षक अभ्यर्थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं तो उनको नजरबंद कर दिया जाता है? संगीनों के साय में इनका समाधान यात्रा है। पूरी पुलिस महकमा और पदाधिकारियों की जमघट और भीड़ जनता के दर्द को इनके कानों तक नहीं पहुंचने देना चाहता है। ये राजा के रोल में चल रहे हैं और हस्तिनापुर के गुलाम इनके पीछे पीछे चारों तरफ जिस तरह से रहते हैं, ये क्या समाधान करेंगे? न समस्या की जानकारी लेते हैं, न जनता के बीच अपनी संवाद कर पाते हैं। गिने चुने लोगों की भीड़ को इकट्ठा करेंगे, उनको ट्रेंड किया जाता है, सिखाया जाता है और उतना ही बात उनसे कहवाया जाता है। इनके जाने के 15 दिन पहले पूरा रंग रोशन, पूरा ताम झाम कि राजा प्रसन्न हो जाए, लगे कि वो स्वर्ग बन गया है मेरा बिहार। अरे सच्चाई है कि बिहार के अंदर भ्रष्टाचार अपराध चरम पर पहुंचा है। आपके 7 निश्चय का किस तरह से लूट हुआ है, जल जीवन हरियाली में किस तरह से घोटाला हो रहा है। आपका शराबबंदी जो आपका एक मिशन और संकल्प था, उसका साइड इफेक्ट व्हाइट जहर से फैल रहा है। आप उससे देख लीजिए कि आज जो अनाथ और विधवा हुआ छपरा के अंदर और हर जिले के अंदर, आज कई लोग उसके शिकार हुए, उसको मुआवजा देने के बजाय, उसको रोजगार का अवसर देने के बजाय आप किस तरह से बिहार को तमाशा बना रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी को आप सुनने आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, उससे मिलना पसंद नहीं करते हैं, उसको दूर तक कर देते हैं। BSSC पर लाठीचार्ज बच्चों को हुआ, वो आपको जानकारी नहीं है। कैसा मुख्यमंत्री है आप? आपके धृतराष्ट्र की सभा में हस्तिनापुर के गुलाम किस तरह से घेर के बैठा है कि बिहार के अंदर बच्चों पर ये ठंड के मौसम में लाठीचार्ज हुआ, पूरा चैनल से लेके मीडिया चलाया। क्या संदेश देना चाहते हैं? या तो आपका याददाश्त कमजोर हो गया या इस पद के लायक आप सचमुच में नहीं है, आपको आश्रम जाने की अब जरूरत है। राम मंदिर को लेकर भी राजनीति बिहार की तेज हो गई है। जदयू के नेता की तरफ से बयान आ रहा है कि राम मंदिर बनना तो ठीक है, लेकिन देखा जाए तो 9 साल हो गए केंद्र में BJP को आए हुए, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई थी, आज 9 साल हो गया और 18 करोड़ रोजगार कहाँ गया, ये सवाल खड़ा किया जा रहा है। ये खुला बहस करें कि प्रधानमंत्री के आने के बाद रोजगार का सृजन कितना हुआ, कितने सेक्टर में रोजगार बढ़े, मुद्रा योजना का लाभ जितने लोग उठा रहे हैं, कितने परिवार तक रोजगार, लघु कुटीर उद्योग का एक वातावरण बना है, स्वरोजगार की ओर कितने लोग प्रेरित हुए और कितने को रोजगार का अवसर मिला है। आज लगभग 0.25 करोड़ के लगभग लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं, 50 लाख से ज़्यादा संख्या है जिसको रोजगार का अपना सृजन किया है, स्वरोजगार में प्रेरणा प्राप्त किया है, नौजवानों को अवसर दिया है। और आपके यहाँ क्या हो रहा है? बिहार के अंदर जो स्वरोजगार और रोजगार में लगा हुआ भी था निवेशक, कोई नया आया नहीं, लेकिन जो था आपके जंगल राज से गुंडा राज का वातावरण बनने से पलायन कर रहा है। यहाँ का स्वरोजगार और रोजगार वाले पलायन कर रहे हैं, उसका अवसर खत्म हो रहा है। जब तक निवेशक को संरक्षण सुरक्षा नहीं मिलेगा,
वो इन्वेस्ट क्यों करेगा, आज बिहार में क्यों इन्वेस्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि आप अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को सरकार में सम्मिलित कर लिया। लोग डर गया है कि फिर से वही राज लौटेगा जिस राज के डर से बिहार में कोई आना नहीं चाहता था। आप तुलना मत करिए, अपना घर संभालिए। देश के अंदर आज सुकून महसूस कर रहा है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का महामंत्र लोग स्वीकार करके उस पथ पर चल रहा है। अंतिम सवाल रहेगा सर, वंदे मातरम ट्रेन पर पथराव हुआ है, ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार में वंदे मातरम ट्रेन नहीं आया इसलिए पथराव किया जा रहा है। देखिए, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की मानसिकता, बंगाल हो या बिहार हो। अगर जो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान और राष्ट्रवाद के भावनाओं से छेड़छाड़ या खिलवाड़ का किसी की भी मानसिकता है तो ये दुखद है। ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है, ऐसे लोगों को सत्ता में रहने की कोई अधिकार नहीं है। तो आपने सुना हमारे साथ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा से, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकले हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बस दिखावा कर रहे हैं। हस्तिनापुर की जनता जो है, हस्तिनापुर के जो लोग हैं वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं नज़रबंद कर दिए हैं। तो वहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार के पास मुद्दा नहीं पहुँचाया जा रहा है। वहीं क्या कुछ कहे तो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, आपने सुना है। वहीं वंदे मातरम ट्रेन पर जिस तरीके से रोड़ेबाजी हुई इसको लेकर विजय सिन्हा ने साफ कहा है, जिस तरीके से रोड़ेबाजी हुई है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।